Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. So basically I am a tarot reader, numerologist and vastu consultant. आज हम जानेंगे कि टैरो रीडिंग की हेल्प से ये जो हमारा आने वाला वीक है फ्रॉम 17th ऑफ सितंबर टू 24th ऑफ सितंबर क्या कहता है टैरो कार्ड्स आपकी राशि के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर आपकी राशि एयर एलिमेंट में आती है और आपकी राशि अगर जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो लेट्स सी टैरो आपके बारे में क्या कहते हैं. सो सबसे पहला हमारा कार्ड है वो है फॉर जेमिनी एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर ऑल दी जेमिनी पीपल आउट देयर बिकॉज ये अपकमिंग हफ्ता बता रहा है कि जो आपकी जितनी भी फैमिली में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको समझते ही नहीं हैं. सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट रिजॉल्विंग दोज इश्यूज एंड पॉजिटिविटी दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड ऑल्सो करियर के बारे में अगर आप इस कार्ड से मैसेज लेना चाहें तो वो ये होगा कि मेहनत आप करें, मेहनत के साथ साथ आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको बहुत जल्दी ही सारे रिजल्ट्स मिल जाएं. पेमेंट में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस आ सकता है बट दैट डज़न्ट मीन कि पेमेंट मिलेगा ही नहीं अगर आपका कोई अटका हुआ दिखा रहा है बिकॉज दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज़ शोइंग फॉर ऑल दी जेमिनी पीपल. बट रिलेशनशिप के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है. नाउ लेट्स सी हमारी जो दूसरी राशि है वो है लिब्रा. लिब्रा के लिए कार्ड आया है इट माइट शो दैट कि अगर आप कोई न्यूज़ या आप कोई पेमेंट या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं या आपका कोई पेमेंट अटका हुआ है, आप किसी का कोर्ट केस या किसी भी आप रिजॉल्वमेंट चाहते हैं, सो दिस इज़ नॉट द वीक फॉर दैट. वेट फॉर इट एंड अंडरस्टैंड. आप अगर कोई प्रॉब्लम में हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं सो ये हफ्ता उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नहीं है बल्कि उन प्रॉब्लम से हटकर कुछ और चीज़ें करने का है. यू कैन स्पेंड टाइम समवेयर एल्स. आप अपने काम में ध्यान लगाएं या काम में कुछ और प्रायोरिटाइज करें. दैट विल रियली हेल्प यू. एंड दिस वॉज द कार्ड फॉर ऑल दी पीपल हु आर इन टू द एयर एलिमेंट एंड दैट टू ऑल्सो विद द लिब्रा. सो हमारे जितने भी एक्वेरियस राशि वाले हैं उनके लिए कार्ड आया है द मैजिशियन. अब जब ये कार्ड आता है माय डियर एक्वेरियस पीपल, सो आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं सो दिस इज़ द टाइम कि आप एक्शन लें अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए या आप लाइफ में जो भी एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन एंड वो एक्शंस आपके लिए फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल होंगे. सो डोंट वरी, गो एंड टेक एक्शन आउट देयर. अनटिल एंड अनलेस आप एक्शन नहीं लेंगे सो कोई भी रिजल्ट्स आपको नहीं दिखाई देगा. सो आप बहुत ज़्यादा अगर सोच रहे हैं एक्शन लेने में आप वेट ना करें. दिस इज़ द वेरी गुड टाइम टू टेक एक्शन एंड थिंक अबाउट इट. प्रायोरिटाइज करें प्लान करके अपने गोल्स को अचीव करने में. दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट. So thank you so much for watching this video guys. If you really like this video, don't forget to like, share and comment. Thank you.